तो पहले हम सिंपल सिंपल टेंथ लेवल के बात कर रहे हैं, तो लेंस का जो फार्मूला होता है, ठीक है, लेंस फार्मूला क्या होता है जल्दी बताएगा कोई मुझे? चलिए, 1/f = 1/v - 1/u, क्या फिर से एक बार, 1/f = 1/v - 1/u होता है, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करें, सपोज कर लीजिए कंकेव लेंस ले लेते हैं या कॉन्वेक्स, कोई भी एक लेंस आप ले सकते हैं। चलिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये जो मिड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है, क्या कहलाता है? पोल, ठीक है, ये पोल है हमारे पास, ठीक। और ये हमारी, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, फोकस है, ये क्या है, फोकस एफ, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस आर होता है, ठीक है, आर। फोकस का डिस्टेंस कितना होता है, एफ होता है, ठीक। और मान लीजिए कि इसी के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर दें क्योंकि लेंस छोटा है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि इसको जब भी कोई इमेज बनाते हैं तो हम दो रे ड्रॉ करते हैं, एक तो ये हुआ, एक तो हमने इसको पोल से पास कर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ये जो रे है, ये डाइवर्जिंग लेंस कराता है, कनकेव लेंस है, डाइवर्ज करेगा, तो ये देखिए डाइवर्ज, ये डाइवर्ज जा रहा है इसे, ये रे डाइवर्ज हो गई, ये सीधे गई। अब इसको बैक ट्रेस करिए, बैक ट्रेस करिए, देखिए कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये फोकस पाना चाहेगा, ये पॉइंट जहां, देखिए ये जहां कट कर गया वहीं से हम इसको मिला लेते हैं, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज व्हाट इमेज, ये हमारा इमेज हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इमेज, ठीक है, ये इमेज है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये जो ऑब्जेक्ट दूरी कितनी होती है, क्या कहलाती है, यू, और इमेज की दूरी क्या कहलाती है हमारे पास, वी, क्या कहलाती है, वी। तो हमारी इमेज की दूरी वी है और ऑब्जेक्ट दूरी क्या है, यू है, फोकल लेंथ एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ठीक। तो अब यही हमारे पास है, तो हमारे पास ये वी है, वी क्या है, वी इज व्हाट, वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू क्या है, इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, फ्रॉम पोल ऑफ लेंस, ये पोल कहलाता है या सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या, एफ, एफ क्या, एफ इज फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ, एफ क्या है हमारा, फोकल लेंथ, एफ क्या है, फोकल लेंथ, ये हमारा फोकस है, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा लेंस का फॉर्मूला हुआ, 1/f = 1/v - 1/u। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/f = 1/v प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा तो मिरर फॉर्मूला, और माइनस लग गया तो लेंस फॉर्मूला, माइनस लगा तो लेंस फॉर्मूला, प्लस लगा तो मिरर फॉर्मूला, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, हमारा लेंस फॉर्मूला हुआ, जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं विद साइन, पुट करते हैं विद साइन, हमें साइन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यू है उस तरह से हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंकेव लेंस का था। तो इस तरह से हम इसको इमेज बनाना भी जान गए कि कैसे हम इमेज ड्रॉ करते हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट दिया जाए और आपको इमेज ड्रॉ करना है, तो आप इस तरह से कंकेव लेंस का ड्रॉ कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का आगे बनेगा, ठीक। ये हमारा हुआ क्या, लेंस फॉर्मूला, ठीक। अब अगले हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल एम, मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज क्या है हमारे पास, इसको डिनोट करें एच आई अपॉन में एच ओ। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा, एम इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा हुआ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि हमारा कितना लार्ज है, कितना लार्ज नहीं, कौन किससे कंपेरिजन है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू को देख सकते हैं, रेशियो है ये, अगर इससे आएगा तो कितना गुना है, ऐसा कर सकते हैं, कितने टाइम्स है ऑब्जेक्ट के या इमेज किसी कौन कितना ज्यादा टाइम्स है, ये इसको बताता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ
कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में ये कंपेरिजन करता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इमेज बड़ा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है, इस तरह का ये बताता है। ठीक है, अच्छा एक और दूसरा फॉर्मूला भी बनता है मैग्निफिकेशन का। क्या बनता है मैग्निफिकेशन का? एम इक्वल टू वी बाई यू बनता है। क्या बनता है? वी बाई यू बनता है। क्या बनता है? वी बाई यू बनता है। तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं इक्वल टू वी बाई यू। ये क्या हुआ हमारे पास? डिस्टेंस ना, वो हाइट था, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन हो गया। एम इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। ध्यान रखिए अगर यही मिरर का होता तो यहां माइनस लगता, मिरर का होता तो क्या लगता? माइनस वी बाई यू होता मिरर में, लेकिन लेंस है, ये लेंस है इसलिए प्लस है। ध्यान रखिए बात को, एम इक्वल टू वी बाई यू, अगर ये मिरर का होता तो माइनस वी बाई यू होता। ठीक, तो आप इस तरह के इसको याद कर सकते हैं, ये मैग्निफिकेशन हो गया। तो हमने बता दिया मैग्निफिकेशन क्या करता है, वो कंपेरिजन करता है हाइट किसकी ज्यादा है या कौन किसकी दूरी ज्यादा है, किसकी दूरी कम है, ऑब्जेक्ट की ज्यादा है कि मैग्निफिकेशन सॉरी इमेज की ज्यादा है। ठीक है, ये जो भी सारी वैल्यू हम जो भी फॉर्मूला भी यहां देख रहे हैं, ये सब जो भी वैल्यू यहां पुट करेंगे विथ साइन पुट करेंगे, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के इनका कोई वजूद नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला याद भी रहेगा, अगर हमने साइन कन्वेंशन गलत किया तो हमारा सारा का सारा खत्म। ठीक, तो हमारा लेंस फॉर्मूला, ये हमारा मैग्निफिकेशन। आइए साइन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन देखिए, देखिए ध्यान से मेरी बात को, अगर हम यही बात करें, यही लेंस है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हम, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, जिसे हम आर बोलेंगे यहां से। ये हमारा फोकल लेंथ है, एफ है। ठीक है, यहां हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनानी है, तो इसका इमेज ऐसे गया, दो रे हम लेते हैं, हम जहां हमने पीछे भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो एक हमने रे यहां ड्रॉ की ऐसे, इस तरह की ड्रॉ गई। अब ये जो रे है वो जाएगी और ये वापस आई। ठीक, और यहाँ कट हुआ, वहां हमने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा इमेज बना। क्या बना? इमेज, और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दूरी क्या कहलाई हमारे पास? ये जो दूरी है वो कहलाया वी, और ये दूरी जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या कहलाई? यू। तब साइन कन्वेंशन याद रखिए, साइन कन्वेंशन को याद रखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं, चाहे मिरर में हो चाहे लेंस में हो, चाहे मिरर में हो चाहे लेंस में हो, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, किसी तरह का मिरर या लेंस हो, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, उसमें सब हर जगह वही यूज आपको करना है। ध्यान रखिए, अगर आप डायरेक्शन ऑफ रे में जाते हैं, पहली बात तो आप ये याद रखिए कि डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, कहां से मैं लिख देता हूं आपके लिए, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल पहला पॉइंट है कि आप डिस्टेंस को मेजर, से आप वी मेजर कर रहे हैं, कहां से करेंगे? पोल से, ये हमारा पोल है पी, यहां से हम करेंगे। ठीक है, तो हमारा वी हुआ, फोकल लेंथ मेजर करेंगे पोल से करेंगे, एफ हुआ, यहां से यू हुआ, यहां से आर हुआ, सब कुछ हम कहां से करते हैं? पोल से करते हैं, पहली बात। दूसरा, इफ वी मेजर डिस्टेंस अलोंग, अलोंग या इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ ऑफ रे, ये क्या है? इंसिडेंस रे है ना, ऑफ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे की करते हैं, देन डिस्टेंस टेक पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, अदरवाइज अदरवाइज नेगेटिव। ध्यान सुनिए, फिर से समझिए, समझने की सबसे फेयर है इसमें, अगर आप अलोंग द डायरेक्शन जा रहे हैं, अलोंग देख रहे हैं एरो जा रही है, अगर डिस्टेंस इधर हुआ, जैसे सपोज करिए ऐसे, ये देखिए एक मैंने बनाया आपके लिए, ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी मान लीजिए कि इमेज आपकी ऐसे बनी और ऑब्जेक्ट ये है, ये ओ है, ये आपकी आई है, ये दूरी क्या है आपके पास? यू है, और ये दूरी कितनी है? वी है। तो ये एरो जा रही थी ऐसे, फिर जाके ऐसे मिला होगा,
इसका मतलब क्या होगा कि हम डायरेक्शन किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, जिधर एरो जिधर रे जा रही थी, तो ये दूरी हुई वी, तो कैसा लिया जाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे वी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव, वी कैसा होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, और यहाँ यू कैसा होगा, यू कैसा होगा, यू कैसा होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि हम पोल इधर आ रहे हैं, जबकि अपोजिट है, इसके एरो देखिए इधर जा रही थी और हम इधर आ रहे हैं, इसका मतलब अपोजिट है, अपोजिट है, कैसा मतलब हो गया, नेगेटिव, यू नेगेटिव और वी पॉजिटिव, इसका मतलब अलोंग द डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव। अब यहाँ एफ देखिए कैसा होगा, नेगेटिव, एफ कैसा हो जाएगा यहाँ पे, एफ नेगेटिव, क्योंकि हम अपोजिट आ रहे हैं, एरो इधर जा रही है, हम उल्टा आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ यू देखिए, यू भी कैसा होगा, नेगेटिव, वी कैसा होगा, वी भी नेगेटिव होगा, आर कैसा होगा, वो भी नेगेटिव होगा, मतलब जितना हम अपोजिट आएंगे वो सब नेगेटिव बनेगा और अलोंग द डायरेक्शन जाएंगे तो पॉजिटिव बनेगा, क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन है, ये हमने लेंस फार्मूला पढ़ा, ये हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा। अच्छा, इसी मैग्निफिकेशन में और कुछ आप देख लेते हैं, क्या देख लेंगे, अगर यही मैग्निफिकेशन एफ, इफ एम इज पॉजिटिव, अगर क्या हो जाए, अगर हमारे पास एम पॉजिटिव आ जाए तो हमारा नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, कैसा होगा, इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इफ एम इज पॉजिटिव देन इमेज का नेचर कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। अच्छा, इफ एम इज नेगेटिव, एम इज नेगेटिव, अगर एम कैसा हो जाए हमारे पास, एम कैसा, जल्दी बताइए, अगर एम नेगेटिव हो जाए तो हमारा इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड, इन्वर्टेड एंड कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, तो आप इसे क्या लिख लेंगे, इन्वर्टेड एंड, इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, अगर एम नेगेटिव होगा तो इन्वर्टेड एंड रियल होगा, ठीक है, और एम अगर पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। तो ये हमारे इस तरह से लेंस फार्मूला हुआ, मैग्निफिकेशन हुआ, कैसे क्या इरेक्ट और वर्चुअल कैसे क्या होगा, और ये किस तरह से साइन कन्वेंशन लेंगे। हाँ, एक और चीज साइन कन्वेंशन सोचिए, अगर ऊपर रहेंगे प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेंगे तो नेगेटिव, ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, नीचे रहेंगे तो नेगेटिव, ऊपर रहेंगे तो पॉजिटिव, नीचे रहेंगे तो नेगेटिव, ठीक है, अलोंग डायरेक्शन रहेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट आएंगे तो नेगेटिव, कहां से, पोल से, पोल से अगर अलोंग डायरेक्शन जाएंगे उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट आएंगे तो नेगेटिव, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए लेंस के बारे में, तो लेंस के बारे में आप यहाँ एक चीज और समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से जो भी इमेज बनेगा कैसा बनेगा, वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगा, कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स लेंस से, यहां लिख देता हूं मैं, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है, और कनकेव लेंस से, कनकेव लेंस से कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, ठीक है। किस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनता है, कनकेव लेंस में क्या बनता है, क्या किस तरह से मैग्निफिकेशन निकालते हैं, किस तरह से लेंस फॉर्मूला निकालते हैं। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करिए और देखिए जो भी चीज आपने सीखी है उन सबका वहां पे यूज करिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें इस न्यूमेरिकल को तो हमारे लिए क्या बनेगा, आइए, कह रहा है कंकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब कंकेव लेंस है, इसका मतलब फोकल लेंथ कैसा हो गया, नेगेटिव -15 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कंकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कंकेव का नेगेटिव, कंकेव है तो -15 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है एट What distance should be the object from the lens? इसका मतलब क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यू, क्योंकि आपने देखा था कि यू क्या होता है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये दूरी क्या होती है, यू होती है, यू वन। और क्या पूछ, क्या उतर रहा है, प्लेस सो दैट इफ इट फॉर्म एज द इमेज टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर पे, किसमें, कनकेव में, इसका मतलब सेम साइड, क्योंकि आपने देखा था कनकेव का, ये देखिए ये हमारे पास कनकेव लेंस है, ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ अपने इमेज प्यारा सा सुंदर सा नन्ना मुन्ना सा, ये हमारी रे और एक दूसरी रे ऐसे, क्योंकि दो रे हम लेते हैं, ये डाइवर्ज हुई,
ये ऐसे वापस बैक ट्रेस होती है, यहां कट कर रही है, यहां पर पेन ड्रॉ किया, तो ये हमारी इमेज बन गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वी, और ये क्या कहलाएगा, यू। ठीक, आपको यू पूछा गया है, वी दिया गया, वी कनकेव में कैसा बनता है, नेगेटिव, याद रखिए कनकेव लेंस में हमेशा वी कैसा होगा, नेगेटिव, इसलिए हम वी से भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर वी नेगेटिव है तो कनकेव और वी पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स। कॉन्केव और कॉन्वेक्स डिसाइड करने के लिए कई सारे तरीके हैं। ठीक, तो अब क्या करना है हमें, क्या पूछा गया है, यू, यू निकलता हम जानते हैं, वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, क्या हमने पढ़ा था, ये लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला हम यूज कर लीजिए, तो हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, सॉरी यू निकालना, तो यू किधर लेके आइए, तो वन बाई यू पॉजिटिव हो गया, वन बाई वी ये इधर गया तो नेगेटिव हो गया, माइनस वन बाई एफ। चलिए, वन बाई वी कितना अपने पास, माइनस टेन। ठीक है, माइनस फोकल लेंथ कितना अपने पास, माइनस फिफ्टीन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टेन, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन बाई फिफ्टीन। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, पांच तीन पंद्रह। ठीक, और यहां से क्या हो जाएगा, पांच दूना दस, इसका तीन आएगा ही आएगा आपके पास, और दो आएगा पंद्रह, मतलब इसका मतलब थर्टी, कितना आ गया, थर्टी, तीस आ गया इसका। अब यहां से करिए, ये आएगा थ्री, ठीक है, माइनस में, और ये कैसा आएगा, प्लस में वन, कैसे देखिए, पंद्रह दूनी तीस, सॉरी दो, टू आएगा। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करिए, कितना आएगा, माइनस वन बाई थर्टी, माइनस वन बाई थर्टी, ये हमारा माइनस वन बाई थर्टी क्या आ गया, वन बाई यू। तो यू कितना आ गया, बताइए जल्दी से, माइनस में थर्टी, क्या, सेंटीमीटर, माइनस में यू, यू कितना आ गया, माइनस में थर्टी सेंटीमीटर, इसका मतलब यू कितना बन रहा है, सेम साइड में। ठीक है, तो आपको एक आंसर मिल गया इसका, कि लेंस कितनी दूरी पर रखा जाएगा, थर्टी सेंटीमीटर, कितना रखा जाएगा, थर्टी सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, किधर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव आया। अगला क्या पूछा गया है, मैग्निफिकेशन। चलो मैग्निफिकेशन आपने सीखा, v बाई यू, क्या सीखा, v बाई यू, साइन के साथ रखना है, ऐसा नहीं वैल्यू आपसे रखना है, साइन के साथ, टेन क्या था आपके, सॉरी v क्या था, v माइनस टेन, ओके, u क्या आपके पास, माइनस थर्टी, माइनस माइनस कट गया, कितना आया, वन बाई थ्री, इसको आप 0.33 लिख सकते हैं, ये मैग्निफिकेशन आया। इसका मतलब जो इमेज बनेगी कैसी होगी, छोटी होगी, कौन बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, तो इसका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा कितना, थ्री टाइम्स, इमेज कितना छोटा होगा, वन बाई थ्री। ठीक है, तो इमेज आपकी छोटी होगी और ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया, कैसा है ये, पॉजिटिव। तो आपको बताया था कि एम अगर पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, ये देखिए लिखा है, एम पॉजिटिव होगा कैसा होगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो आप देख रहे हैं ये इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा और वर्चुअल इमेजरी है, इसका मतलब कैसा हो गया ये, इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कुछ बताया, अगर कोई डाउट हो तो आप इसे एक बार हमें कमेंट करिएगा और हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड साइन कन्वेंशन। ठीक, थैंक यू क्लास।